और उधर यूक्रेन में युद्ध के 90 दिनों बाद घरों से बाहर निकले हैं लोग। युद्ध में मारे गए लोगों को कीव में दी गई है श्रद्धांजलि। कीव के एक मैदान में यूक्रेन के झंडे भी लगाए गए। चौबीस फरवरी को रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन पर हमला बोला। यूक्रेन पर मिन्स समझौते तोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि पूरा खेल यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की कोशिश के बाद शुरू हुआ था और इस खेल को शुरू हुए आज 90 दिन यानी 3 महीने हो गए। 3 महीने की तबाही और बर्बादी के बाद कीव के लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जो इस जंग में सिर्फ इसीलिए मार दिए गए क्योंकि वो यूक्रेनी थे। कीव के एक मैदान में यूक्रेन के छोटे छोटे झंडे लगाए गए। उन लोगों को याद किया गया जो अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ मौजूद लोगों ने इस सब के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। कीव से रूस के पीछे हटने के बाद यहाँ जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। पूरी दुनिया को ये बताने और खुद में जीत का एहसास जगाने के लिए कीव के पोस्ट ऑफिस से डाक टिकट खरीदी जा रही है जिसमें यूक्रेन की जीत का जिक्र है। यूक्रेन के लोग इस डाक टिकट को बतौर निशानी अपने घरों में रखना चाहते हैं ताकि आने वाली नस्लों को बता सके कि इस जंग में रूस की हार हुई थी और यूक्रेन ने मुश्किल हालातों में भी जंग में जीत हासिल करी थी। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।